तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं पावर बीआई, और पावर बीआई में हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी में हम मर्ज अपेंड और इस जो क्यूरी है कैसे रन करें। तो मेरे पास दो तरह के डेटा मैंने बनाया हुआ है, एक डेटा है हमारा D1 एंड D2, दिख रहा होगा आपको। तो D1 का डेटा में देखिए आईडी और नेम सेम है, दोनों में सेम है, बस D1 का डेटा जनवरी टू अगस्त तक का है और D2 का डेटा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का है। सर इसमें एक वो मेरा वाला भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, जैसे नेम की जगह कुछ और डाल दीजिए या आईडी की जगह कुछ और डाल के। मैं करूंगा, दो मिनट दीजिए, प्रोसेस से चलते हैं। तो दोनों हमारा अलग अलग है। देखिए मुझे अपने पावर बीआई पे रिपोर्ट बनाना है, पूरी ईयरली रिपोर्ट बनानी है, तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो हम डेटा लोड करते हैं फ्रॉम एक्सेल में जाके। और इसमें हमारा D1 और D2 दोनों को हमने ले लिया और ट्रांसफॉर्म में चले गया, राइट। अब यहां पे हम मर्ज क्यूरी करेंगे। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग डेटा है हमारा, तो अगर मैं डायरेक्ट मर्ज क्यूरी कर दिया तो क्या होगा कि D1 को ही रिप्लेस कर देगा, बात समझे? D1 वही रिप्लेस कर देगा। तो यहां हमने मर्ज विथ न्यू का ऑप्शन किया हुआ है, मर्ज क्यूरी विथ न्यू, ताकि ये दोनों यहां रहेगा, ये दोनों रहेगा, एक नई क्वेरी जनरेट कर देगा ये। हाँ, एक नया इसमें आ जाएगा डेटा। हमारा D1 है और दूसरा हमारा D2। अब इन दोनों के रिलेशन क्या है? तो हमने बोला आईडी और इसका आईडी दोनों का सेम है, ओके? और इसको हमने ओके कर दिया। अब यहां पे देखिए जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अब यहां पे बाकी आ गया D2। अब सोचेंगे हमें तो यहाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर इस तरह का चाहिए था, बट इसे D2 आ गया, तो आपको D2 पे क्लिक करना है इस पे, क्योंकि इसमें आपको बताना होगा कि क्या क्या शो करना है। तो आईडी तो हमारे पास है, नेम भी है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फील्ड चाहिए, उसको हमने ओके कर दिया। आ गया सर? बिल्कुल। अब इसमें एक हो गया, अब इसमें क्या करना है कि सितंबर D2 D3, तो इसको मैं यहां से रिनेम कर देता हूं, इसका नाम दे देता हूं सितंबर। इसको पावर बीआई के अंदर भी मैं कर सकता हूं। देखिए दोनों कंबाइन कैसे हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या था, एक रिलेशन था, उसमें यूनिक था। मैं इसको रिनेम कर देता हूं और रिनेम, और हमने यहां पे 2020 ईयर डाल दिया एंड हम इसको लोड कर रहे हैं, लोड एंड क्लोज। आ गया, बट यहां पे तीनों आया, मुझे दो नहीं चाहिए, तो मैं डेटा मॉडल में जा रहा हूं, D1 को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। और वहां से डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं ना सर, ट्रांसफॉर्म वाले में से? नहीं, वहां से अगर हम डीएक्टिवेट कर देंगे तो फिर रिलेशनशिप कैसे होगा, वहां तो रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि तो डेटा में डेटा खुद का थोड़ी है, वो तो D2 भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आ गया डिटेल हमारे।
अब इस पे हम अपनी ईयरली रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, जैसे कि हमने नेम रख दिया और हमने मंथ सेल सिक्वेंसिंग क्लिक कर देता हूँ, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, समझ में आ गया आपको चीज। तो मर्ज क्वेरी विद रिलेशनशिप समझ में आ गया कि दो अलग अलग डेटा को कैसे हम मर्ज करेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा मर्ज क्वेरी करने के लिए आपके पास दोनों का ये होना चाहिए, एक यूनिक आईडी होना चाहिए, क्योंकि मर्ज विद रिलेशनशिप होता है, विदाउट रिलेशनशिप मर्ज नहीं होता है। और मर्ज में भी कई सारे पार्ट हैं, तो मैं एक बार ट्रांसफॉर्म डेटा में आता हूं और बताता हूं कि जब हम मर्ज क्वेरी करते हैं तो क्या होता है। देखिए मर्ज में ये आपका है, ये है लेफ्ट आउट ऑफ ऑल फॉर्म फर्स्ट और मैचिंग फॉर्म सेकेंड, बस समझ में आया। मतलब जो आपका फर्स्ट टेबल तो सबका है, सबको सब पूरा डेटा रहेगा एक से लेकर 100 तक, लेकिन सेकेंड में जो सेकेंड टेबल होगा वो सेकेंड में आपका क्या होगा कि सिर्फ वही मैच जो मैच होगा वही होगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट में एक से लेकर 100 तक है और सेकेंड में आपका एक से लेकर 60 तक है, तो सेकेंड का 61 टू लेके 100 को शो नहीं करेगा, समझे। आता राइट आउटर ऑल फ्रॉम सेकेंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, ये आपका पहले वाले का जस्ट अपोजिट होता है। ये आता है फुल आउटर, मतलब ऑल रो ऑफ बोथ, दोनों में जो मैच करेगा जो मैच नहीं करेगा वो दोनों को यहां रखेगा। इनर ज्वाइन, जो दोनों में जो मैच करेगा, जैसे कि अगर एक में 100 है दूसरे में 60 है तो डेटा 60 का ही दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देगा। लेफ्ट एनी, ये रोज ओनली फॉर द फर्स्ट, जो फर्स्ट के वही दिखेगा और ये जो सेकेंड है सेकेंड का ही दिखेगा, मैचिंग को नहीं शो करेगा। तो ज्वाइन काइंड समझ में आ गया आपको। चलिए अब इसमें अब बात होती है कि हमने दो को तो मर्ज कर लिया, अगर मेरे पास तीन होता तो क्या सर। विद न्यू में हम अगर मान लीजिए आइए मुझे तीन को मर्ज करना है, तीन क्वेरी को मर्ज करना है, तो यहां पे जैसे कि आपने 2020 जो हमने मर्ज किया दो को मर्ज किया हुआ है, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहां तीसरा सिलेक्ट कर लीजिए, बात समझे। दोबारा करना पड़ेगा जी हाँ, मतलब एक बार में दो ही मर्ज होगा, दो से ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा है तो फिर 1x1 करना पड़ेगा। तो मर्ज क्वेरी समझ में आ गया, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं अपेंड क्वेरी की। तो अपेंड क्वेरी के लिए अब मान लीजिए डेटा में पहले वाला जो इसको डिलीट कर देता हूं, अच्छा पहले क्यू को डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। अब दूसरी चीज है कि डेटा मुझे लोड करना है तो उसके लिए मुझे वापस पावर बीआई पे नहीं जाना है, हम यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि अब क्या करना है। अब जैसे कि मेरे पास क्या है कि तीन अलग अलग टेबल है, जैन फेब मार्च, अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पहले जान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं। हमें क्या करना है कि क्वार्टर वन का सेल चाहिए जैन के अंदर फैब के अंदर मार्च के अंदर, या फिर मान लीजिए ना मेरे पास पहले जैन का डेटा आया हमने उसको लोड कर लिया, अब मेरे पास फैब का डेटा आया है तो हमें लोड करना है लेकिन मुझे अलग नहीं करना है, उसी जैन के नीचे करना है, अपेंड करना है, अपेंड करना है।
तो हम पावर क्वेरी में आते हैं और यहां से हम न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं। इसमें एक्सेल कनेक्ट, फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओपन, और इसमें पहले मान लीजिए मैंने जैन को ले लिया, जैन मेरा डेटा आ गया, इस पे रिपोर्ट वगैरह बनाना था मैं बना दी। अब मुझे जैन और फैब दोनों चाहिए, समझे? तो यहां पे मैं एक तो होता है कि अगर मैं अपेंड पे क्लिक कर दिया तो इसी को अपडेट कर देगा, टू टेबल या मोर देन टू टेबल, तो मैं टू टेबल किया कि हमारा, लेकिन नहीं नहीं मुझे फिर वापस एक बार लेना पड़ेगा ना, फैब को लेना पड़ेगा ना सोर्स में जाके, ना फैब तो लाया नहीं ना अभी तक, ना फैब मार्च भी लाना, फैब और मार्च जो भी है लाना पड़ेगा। हम यहाँ फैब और मार्च दो मिल जाते हैं, एंड ओके। अब यहां पे जैन फायर मार्च तीनों है, तो अगर मैं अपेंड क्यूरी करता हूं क्या कहेगा अपेंड क्यूरी? अपेंड क्यूरी में मैंने बोला कि भाई जैन तो है करेंट, अपेंड क्या करना है, तो मुझे करना है फायर, फायर को सिलेक्ट कर दिया एंड ओके कर दिया। तो ये क्या किया कि इसके नीचे जिस कॉलम का है उसी कॉलम के नीचे इसने अपना एड कर दिया, ओके हो गए 45। लेकिन मुझे यहां पे एक एक करके नहीं करना है, हमें तीनों का एक साथ, तीनों को एक साथ मुझे मर्ज करना है, तीनों का एक साथ मर्ज करना है, तो अभी अलग इसको ओवरराइट नहीं करना है, तो अपेन क्यूरी एज ए न्यू पे हम जाएंगे। इसमें मोर देन टू टेबल, हमने जैन को पहले रखा, फिर हमने फैब को रखा, फिर हमने मार्च को, मार्च दो बार हो गया सर, सर मार्च दो बार हो गया, कोई बात नहीं, अगर मार्च आपका दो बार हो गया तो मैं यहां से इसको डिलीट कर सकता हूं। यहां पे आपको देख लेते हैं इसकी कंफ्यूजन भी है, मार्च जैन फैब है, तो इसकी सीक्वेंस भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं, टेबल कंबाइन, समझ गए? मार्च को इसमें इतना ही नहीं किया, स्पेस देके सर, फैब कॉमा स्पेस, फैब कॉमा स्पेस एमआर, ये आपका क्यूरी न्यू क्यूरी पे हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इसमें कॉलम का नाम अगर थोड़ा सा डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ये कि जो अपेंड कर रहा है वो एज पर कॉलम है। अब हम बात करते हैं आपके इसके ऊपर कि अगर आपका जो कहना है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा टेबल अलग अलग है, तो मैं हेडर नेम जो है वो एक काम करता हूं, मैं इसी को एक बार डिलीट कर देता हूं, जैन फैब को, तो ये अपेंड डिलीट करना पड़ेगा। अब जनवरी मेरे पास है, ठीक है, जनवरी का हमारा P1 से P9 है। अब मैंने अपने डेटा में जो फरवरी का था वो फरवरी को मैंने P4 के जगह पे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 है, जैसे आपने यहाँ P करा है 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे चेंज कर दिया ना, प्रोडक्ट 4 कर दिया, ठीक है ठीक है। और एक और चेंज करता हूँ यहाँ पे, अब पूरा लिख देता हूँ, ओके
और इसमें 11 है और इसमें 50 है, याद रखिएगा, तो इसमें 50 में 85 मैचिंग के लिए। मैं एक बार यहाँ पे न्यू सोर्स और यहाँ एक्सेल को लेता हूँ, कनेक्ट करता हूँ पीक्यू एंड ओपन। और फिर यहाँ पे मैं फैब में किया था ना, मैं बिल्कुल सर फैब को लिया एंड ओके करता हूँ। अब यहाँ प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ना सर, इसका हम कर देते हैं P4 और यहाँ हमारा जो प्रोडक्ट 4 है उसको उसको हम कर देते हैं P8 ये ना सर। अब मैं एक न्यू में ले आ जाता हूँ, करना था माफ कीजिएगा, हमें ही करना था, अपेंड करना है ना हमें न्यू, हाँ टू, हमने बोला जैन पहले होगा उसके नीचे हमारा फाइव होगा, ठीक है फाइव सर फाइव। अब देखिए इसमें P4 आ गया 41, ये जैन में हमारा 41 है ना, 81 है ना, फाइव हमारा क्या है 85 है, तो देखिए अपेंड में ये आपका 44 या 45 के आसपास होगा, 85 है। हेलो हेलो सुजीत सर, ये मेरा अभी लाइट गया है तो बंद हो जाएगा मेरा, इसका थोड़ा व्हाट्सएप पे भेज देना ये लिंक। ठीक ठीक समझ गया, बिल्कुल सर क्लियर क्लियर है। तो अब इसको यूज कीजिए, अब हमने ट्रांसफॉर्म को खत्म कर दिया है, होम टैब और ट्रांसफॉर्म टैब दो टैब हमने खत्म कर दिया है। अब तीन टैब हम बात करेंगे ऐड कॉलम के बारे में और इसमें फंक्शंस वगैरह कैसे यूज होते हैं, ये हम आपको अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके सर, थैंक यू।